सो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। माइनक्राफ्ट की एक और न्यू वीडियो लेकर के आ चुके हैं गाइज। तो आज की हमारी वीडियो होने वाली गाइज ऑक्टिफाइन की वीडियो, मतलब कि जिनका भी माइनक्राफ्ट लैग करता है या जिनका मोबाइल की रैम कम है, हैंग होता है मोबाइल, ठीक है, तो उसके लिए आउटफाइन लेकर के आ चुके हैं गाइज, ठीक है। तो आउटफाइन बहुत ओपी आउटफाइन होने वाला है क्योंकि इसमें आपको एक से दो, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी गाइज, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता देता हूँ जो गाइज बहुत ही ओपी है, जो गाइज ओपी है गाइज जूम व्यूअर, देख सकते हो गाइज इस लौंडे का, देख सकते हो मूड, देख सकते हो, ठीक है इसका। और गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे गाइज हम क्राउच करते हैं, ठीक है, तो आपको जूम होके दिखेगा, ठीक है। तो जूम करके भी आप देख सकते हो गाइज, ठीक है। तो जूम बिहेवियर भी लगा हुआ है इसमें, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको पूरा पूरा इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, ठीक है। तो मेरे को सबसे बेस्ट तो ये लगी। और वहाँ पे देख सकते हो कौन सो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे देख सकते हो एक, ठीक है। और यहाँ पे आप जैसे आपकी इन्वेंट्री खोलोगे तो आपको देख सकते हो ट्रांसपेरेंट देखेगी इन्वेंट्री। और यहाँ पे हम क्राफ्टिंग टेबल ले लेते हैं और बगल में लेते हैं हम चेस्ट, तो चेस्ट को खोल के देखोगे तो आपको ट्रांसपेरेंट इस प्रकार से दिखेगी चेस्ट भी, और आपकी क्राफ्टिंग टेबल भी आपको इस प्रकार से दिखेगी, जो बहुत ही मस्त है, ठीक है। और गाइस सेकंड चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है, वो है गाइस वाटर, ठीक है। तो वाटर में हम जाते थे हम तो हमको बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखता था, ठीक है। तो उसको उसके लिए हमें चाहिए था गाइस नाइट विजन की पोशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें नाइट विजन की कोई भी प्रकार की पोशन नहीं चाहिएगी, ठीक है। भी आपको बिल्कुल दिखेगा, बिल्कुल साफ, ठीक है, तो क्लीन दिखेगा। जैसे ही आप नीचे जाओगे तो बिल्कुल क्लीन दिखेगा। नाइट विजन पोशन की आपको कोई भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। और आपको ग्रास ब्लॉक भी बिल्कुल चेंज दिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे गाइस ट्रैप डोर होते हैं, तो इनमें इनके अंदर आपको देख सकते हो ग्लास देखने को लिए मिलेगा, ठीक है। डोर्स के अंदर भी आपको ग्लास देखने को मिलेगा, ठीक है, तो देख सकते हो डोर के अंदर भी। और यहाँ पे आप ग्लास भी देख सकते हो बिल्कुल चेंज हो चुके हैं गाइस ग्लास भी, जिनका टेक्सचर मेरे को गाइस बहुत ही बढ़िया लगा है, ठीक है, इनका टेक्सचर, ठीक है। तो बहुत ही ओपी चीज है। और गाइस सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ गाइस आपको जूम किस प्रकार से करना है। आपको गाइस हाथ में एक स्टिक चाहिए, ठीक है, स्टिक आपके होनी जरूरी है, और चीज़ों की जरूरत नहीं है, स्टिक होनी जरूरी है। स्टिक होगी आपके हाथ में, आप जैसे ही आप क्राउच का बटन दबाओगे तो यहाँ पे आपको जूम होकर दिखेगा। आप यदि कोई दूसरी चीज़ लेते हैं क्राउच करते हैं तो आपको नहीं होगा जूम, ठीक है। आपको स्टिक रखनी है हाथ में और जूम, मतलब कि आपको क्राउच होना है तो आपको गाइस जूम भी होने लगेगा, ठीक है। तो और गाइस मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी TNT भी ब्लास्ट करके, ताकि आपको पता चल जाएगा कि हमारा मोबाइल हैंग होता है या नहीं होता है। यहाँ पे हमने TNT ले लिया है, लेकिन गाइज मेरे को सबसे बेस्ट चीज़ लगी है, ठीक है, ये वाली चीज़, ठीक है। आपको कौन सी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और गाइज हम थोड़े बहुत TNT भी ब्लास्ट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ऊपर चल के यहाँ पे हम थोड़े TNT रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक होल करते हैं, इसके अंदर रखते हैं TNT और यहाँ पे हम इसे ब्लास्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हो गाइज ब्लास्ट हो रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लास्ट हो गया है, बिल्कुल भी लैग नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हो बिल्कुल भी लैग नहीं हुआ है, कोई भी प्रकार का लैग आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, इसके अंदर, ठीक है। बिल्कुल जिसकी रैम कम है तो उसको तो गाइस बिल्कुल भी ये मैं प्रेफर करता हूँ कि गाइस वो जरूर से ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि गाइस बिल्कुल भी लैग नहीं हो रही। और साथ ही साथ गाइस यहाँ पे देखते हो गाइस जो भी कोर होते हैं, जैसे कि देखते हो यहाँ पे ये क्या है, कोल है, तो यहाँ पे कोल का भी टेक्सचर गाइस थोड़ा आपको इस प्रकार से लगेगा, जो बहुत ही ओपी है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप गाइस कोल का भी मतलब कि टेक्सचर, ठीक है, मतलब कि आप इसके चारों तरफ ये लाइनिंग सी होएगी, ठीक है। गाइस मैं यहाँ पे आपको दिखाई देता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस आपको देखते हो इस प्रकार का, और मतलब कि आयरन का, और आपको इस प्रकार से दिखेगा, मतलब कि चारों तरफ इसके लाइनिंग सी आ जाएंगी, ठीक है। तो वो आपको गाइस बहुत ही मस्त होने वाला है, क्योंकि गाइस आपको दूर से पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पे कोई ना कोई और है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके चारों तरफ थोड़ी इस प्रकार की लाइनिंग्स आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप देख सकते हो लाइनिंग्स आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो गाइस जब चलते हैं गाइस, पहले तो इसे किस प्रकार से डाउनलोड करना है, फिर गाइस बताएंगे कि आप इसे माइनक्राफ्ट में किस प्रकार से लोड करते हो, ठीक है। तो चलते हैं गाइस हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर। तो गाइस यहाँ पे आपको गाइस क्या करना है, आपको गाइस आपके चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है और कमेंट भी कर देना, ठीक है। और यहाँ पे गाइस आपको क्या करना है, गाइस आपको कमेंट सेक्शन खोलना है मेरा, वहाँ पे आपको लिंक पे लेके डायरेक्ट मीडिया फाइल, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। फिर आप गाइस आपकी फाइल जहाँ पर भी हो गई उस फोल्डर को आपको ओपन कर लेना है। फिर गाइस इस वाली फाइल पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इसे एक्सट्रैक्ट हेयर कर लेना है, ठीक है। तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए ये पासवर्ड मांगेगा, तो यहाँ पे गाइस आपको पासवर्ड लिख देना है। यहाँ पे हम पासवर्ड लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम पासवर्ड लिखते हैं गाइस कोड स्पाइडी गेमर, ठीक है। तो यहाँ पे हम पासवर्ड लिख देते हैं, ठीक है। ये है हमारा पासवर्ड, देख सकते हो गाइस गोड स्पाइडी गेमर, ठीक है। इसको लिख देना है गाइस, आपको ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। ओके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको गाइस दो फाइल देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो ऊपर वाली फाइल पे आपको लॉन्ग प्रेस करना है, ठीक है।
तो इसके ऊपर हम लॉन्ग प्रेस करते हैं, यहाँ से इसे आपको कट करना है, ऊपर क्लिक करना है, डिवाइस मेमोरी में जाना है, आपको गेम सेक्शन में जाना है, कॉम डॉट मोजैंग में जाना है और इसे आपको रिसोर्सेज पैक में आपको डाल देना है, ठीक है, जो आपके फर्स्ट वाली है, ठीक है। फिर से आपको बैक आ जाना है, उसी फाइल फोल्डर में आ जाना है, फिर आपको आउट फोन जूम बिहेवियर, तो ये बिहेवियर पैक है, तो इसके ऊपर आपको लॉन्ग प्रेस करना है, इसे कट कर लेना है, ऊपर क्लिक करके डिवाइस मेमोरी में जाना है, गेम सेक्शन में जाना है, कॉम डॉट मोजैंग में जाना है और बिहेवियर पैक में आपको इसे डाल देना है, ठीक है। ये डालने के बाद में गाइस हम हमारे माइनक्राफ्ट को हम ओपन कर लेते हैं गाइस, ठीक है। तो तब तक हमारा गाइस माइनक्राफ्ट ओपन हो रहा है, तब तक हम बंद होने देते हैं गाइस। सो गाइस उतनी प्रोग्रेस करने के बाद में आपको यहाँ पे आना है, फिर आपको गाइस सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस, ठीक है, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सेटिंग के ऑप्शन पे आने के बाद में यहाँ पे वो ग्लोबल रिसोर्सेज में जाना है और माई पैक्स पे क्लिक करके ऑक्टिफाइन 4, ठीक है। तो यहाँ से गाइस आप इसे एक्टिव कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक्टिव हो जाएगा, तो यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है और गाइस ये सेटिंग का ऑप्शन है, ठीक है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है, और गाइस इसे आपको बिल्कुल ऑन कर देना है, ठीक है, पीछे करके और ऑन कर देना है, ठीक है, ऑन प्लस पीवीपी, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है, और इसे आपको कट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस ये आपका ऑन है, ठीक है, ऑन रखना है गाइस, ठीक है, आपको यहाँ पे इसे यहाँ पे नहीं छोड़ना है, नहीं तो ये ऑफ रहेगा, यहाँ पे आपको बिल्कुल इसे पीछे रखना है, ठीक है, और यहाँ पे कट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है और आपको इसे बैक आ जाना है, ठीक है। तो बैक आने के बाद में यहाँ पे थोड़ी लोडिंग लेगा, ये सेव होएगा, ठीक है। तो सेव होने के बाद में बिल्कुल आपका इंटरफेस चेंज हो जाएगा, देख सकते हो यहाँ पे, आपको देख सकते हो बिल्कुल जो वाइट लाइन थी वो बिल्कुल गायब हो चुकी है, और गाइस यहाँ पे जैसे आप प्ले के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो प्ले के ऑप्शन पे क्लिक करते ही यहाँ पे देख सकते हो आपको कुछ अलग प्रकार का इंटरफेस दिखेगा, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक न्यू वर्ल्ड क्रिएट कर लेते हैं हम, ठीक है, ताकि आपको हम अच्छी तरीके से मतलब कि वर्ल्ड भी जनरेट करके आपको अच्छी तरीके से समझ सके। तो यहाँ पे हम एक क्रिएट न्यू कर लेते हैं, और गाइस यदि आपको जूम बिहेवियर भी चाहिए, ठीक है, जूम बिहेवियर भी चाहिए तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्रिएटिव कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे आपको जूम बिहेवियर के लिए बिहेवियर में जाना है, माई पैक्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे ऑक्टिफाइन जूम बिहेवियर, ठीक है, इसको भी आपको ऑन कर लेना है, ठीक है, और कंटिन्यू भी आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको इस गेम से सेक्शन में जाना है और यहाँ पे आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है, और गाइस यहाँ पे आपको इसे गाइस ऑन कर देना है तीनों एक्सपेरिमेंटल्स को, और यहाँ पे आपको क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वर्ल्ड क्रिएट हो रहा है, तो इसे फटाफट से क्रिएट होने देते हैं। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा लेना, ठीक है। तो इसे हम फटाफट से जनरेट होने देते हैं। सो गाइस यहाँ पे वर्ल्ड जनरेट हो गया, वर्ल्ड जनरेट होने के बिल्कुल बाद में आपको देखते हो यहाँ पे आपको गाइस ग्रास ब्लॉक है जो आपको देख सकते हो चेंज होते हुए आपको दिखेंगे, ठीक है, बिल्कुल आपको ग्रास ब्लॉक बिल्कुल ही ग्रास दिखेगी इनके ऊपर। और यहाँ पे गाइस जैसे ही आप आपकी इन्वेंट्री खोलोगे तो गाइस आपकी इन्वेंट्री भी आपको थोड़ी चेंज दिखेगी, जैसे देख सकते हो गाइस यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल आपको मतलब कि जो ट्रांसपेरेंट होता है उस प्रकार का आपको दिखेगा, देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको क्राफ्टिंग टेबल भी लेकर के मैं बता देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से हम क्राफ्टिंग टेबल ले लेते हैं और यहाँ से हम ले लेते हैं गाइस चेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लिया गाइस क्राफ्टिंग टेबल, तो क्राफ्टिंग टेबल को रखेंगे और क्राफ्टिंग टेबल के ऊपर हम ओपन करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हो आपको ट्रांसपेरेंट दिखेगा ये भी, और यहाँ पे आपको जो चेस्ट भी खोल के देखोगे तो आपको ट्रांसपेरेंट दिखेगी, और गाइस जो बताए तो पानी, ठीक है, तो पानी भी आप जा करके देख सकते हो गाइस आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगा, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो गाइस बिल्कुल क्लियर दिखेगा आपको गाइस, नाइट विजन की पोशन की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो डोर में भी आपको गाइस देख सकते हो ग्लास दिखेगा, और यहाँ पे गाइस आपको ट्रैप डोर दिखेगा जिसमें भी आपको देख सकते हो ग्लास दिखेंगे, ठीक है। और गाइस यहाँ पे आपको देखेंगे जो गाइस ग्लास होते हैं, ठीक है, तो ग्लास भी देख सकते हो गाइस बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, मतलब कि जो होती है आपकी लाइंस, ठीक है, तो वो भी आपको बहुत कम देखने को मिलेगी यहाँ पे, देख सकते हो बहुत मतलब ग्लास तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन गाइस इस एडोन में बहुत अच्छे लग रहे हैं, और गाइस लैग की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी, ठीक है, लैग होता था तो लैग की तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, जिसका भी लैग होता है गाइस तो वो जरूर से जरूर इसको ट्राई कीजिए, ठीक है। तो मेरे को सबसे ओपी चीज़ लगी इसमें जो ये आपकी इन्वेंट्री होती है जो बिल्कुल चेंज हो जाती है, तो ये मेरे को सबसे ओपी लगी। आपको क्या लगा ओपी, ठीक है, क्या बढ़िया लगा आपको, ठीक है, वो मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताना, ठीक है। तो गाइस आज की वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ, आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। और गाइस बग व्हील फाइटी, ठीक है, बहुत अच्छा उन्होंने ये एड ऑन बनाया है, तो उनको भी गाइस थैंक यू। तो चलते हैं गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय गाइस।